केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बने होते हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हैं, उनकी अमाउंट जो है वो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो उनमें जो पहली वजह थी वो हमने डिस्कस की थी, विच इज़ अ कैटिनेशन। तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कैटिनेशन क्या होती है। तो दूसरी जो वजह है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा बनाती है, इट्स द आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना कि जिसमें दो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम हो लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो। ठीक है, द कंपाउंड्स आर सेट टू बी आइसोमर्स इफ़ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये अब आपने आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी है। अब देखें जी, उसने एग्जांपल दी है बेटा पेंटेन की। पेंटेन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास 5 कार्बन्स होती हैं और 12 हाइड्रोजन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब देखें बेटा यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पेंटेन के। एक एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन है और तीसरा जो है वो नियो पेंटेन है। तीनों को अगर आप लोग जो है वो कंडेंस करके इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे बेटा तो वो C5H12 ही होगा। लेकिन जब आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बेटा तो इनमें देख लें कि तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब ये 5 कार्बन वाले के 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो अब आप खुद ही सोचें कि अगर 10 कार्बन्स लगी होती है एक लाइन में तो उनके पॉसिबली कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स के बनने की वजह से कि जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये जो आइसोमर्स होते हैं बेटा ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करवा देते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल जो है उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म। उसके बाद बेटा जो थर्ड है कॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी का, इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके अलावा कार्बन जो है वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हैलोजन्स के साथ। ठीक है, जो सेकेंड लास्ट ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का वो हैलोजन्स हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बेटा ये जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन स्टेबल मॉलिक्यूल्स की वजह से इनकी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद उसने बताया बेटा मल्टीपल बॉन्डिंग। बेटा हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ 2 या 3 बॉन्ड्स भी बना सकती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, ठीक है, डबल बॉन्ड की फार्मेशन भी करती है और ट्रिपल बॉन्ड की फार्मेशन भी करती है। तो इन मल्टीपल बॉन्डिंग्स की वजह से भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चंद एक वजूहात थी जी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी को ज़्यादा करती हैं। अब आपने जो है ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है वो याद भी करना है और इसको लिखना भी है।